हेलो हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रोता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चैनल मैंने आप सभी के लिए बनाया है। मैं ट्राई करती हूँ छोटे छोटे से वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करूँ, जिनको यूज करके आप अपने लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कुछ हदों तक सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं हमारे ऊपर माता महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो, हमारे पास खूब सारा ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो। तो ऐसे केस में हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है कि जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम में करते हैं, त्रिसंध्या पूजा करते हैं, तीनों बेला में अगर आप पूजा करते हैं, तो आपको माता के सामने माता के पुत्रों के नाम लेने चाहिए, उनके नाम पर जयकारा करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यदि आप एक माता हैं, अगर आपके पुत्रों की कोई बड़ाई करता है तो आपको कितना अच्छा फील होता है, उसी प्रकार से माता को भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप माता के पुत्रों के नाम उनके सामने लेकर के उनका जयकारा करेंगे। तो फ्रेंड्स, माता के कितने पुत्र हैं? माता के 18 पुत्र हैं। आपको 18 पुत्रों के नाम लेने हैं। मैं वन बाय वन 18 पुत्रों के नाम लेने जा रही हूँ। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लेनी है, आप सब मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके माता के पुत्रों के नाम मैं वहाँ मेंशन कर दूंगी, रीड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार माता की जय करके माता के पुत्रों के नाम लेते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, माता हरि प्रिया की जय। ओम देव सखाय नमः, ओम चिकलिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगलाय नमः, ओम कुंटकाय नमः। माता की 18 पुत्रों के नाम हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, आपको सुबह या शाम आपको अपने मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप दोनों बेला में दीपक जलाते हैं, माता की पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोनों बेला नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शाम के समय, संध्या समय में दीपक जला के माता की पूजा करें और साथ साथ में माता के पुत्रों का नाम भी लें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे कि आप ये उपाय किस दिन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको ये उपाय जो है, ये टिप शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करना है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से स्टार्ट करना है। जो आने वाला शुक्रवार है वो शुक्ल पक्ष का ही शुक्रवार है, तो आप इसी शुक्रवार से स्टार्ट कर दें और प्रतिदिन करें इसको। और मैं तो बोलूँगी आप आजीवन करें माता के पुत्रों के नाम लें, तो देखिए माता लक्ष्मी कृपा कैसे आप पे बरसती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं डिस्कशन हो, तो आप प्लीज़ मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। जय श्री राधे, हर हर महादेव। फ्रेंड्स।